यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फतेहाबाद में गेहूं की फसल में आग लगने के बाद पुलिसकर्मी आग पर काबू पाने के लिए खुद ही लगे रहे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने उन्हें इनाम देने की घोषणा की है। इससे पहले कि आप कुछ और समझे, हम आपको ये बता दें कि खबर पुलिसकर्मियों के प्रति आपका नजरिया बदल देगी। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गेहूं के खेत में आग लगी है। आग की लपटें बहुत तेज हैं और कुछ पुलिस जवान गेहूं के खेत में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं। जान जोखिम में डालकर जवानों ने आग बुझाई और बहादुरी की मिसाल पेश की। ये वीडियो भूना कुला रोड का है। यहाँ गेहूं के खेत में आग लगी थी, दर्जनों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो रही थी। तभी वहां पुलिस जवान पहुंचे और जवानों ने देर ना करते हुए हाथ में पेड़ों की टहनियां ली और आग में कूद पड़े और गेहूं के खेत जलने से बचा लिए। तो जी बिजली एच पोल था, उससे लगी आग, लग गई। उसके बाद में जी पुलिस शासन बहुत पहुंचा और बड़ी मदद करी, और इनको देख के ना फिर पब्लिक बड़ी उसके अंदर, और जद जाके मतलब हमारी गेहूं का बचाव होया, नहीं तो और भी इतनी और जल जाती। ये पुलिसकर्मी गेहूं के खेत में कूदे थे और आग बुझाकर ही दम लिया। जवानों की इस बहादुरी के लिए डीएसपी ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है। हमारे भुन्ना एसएचओ इंस्पेक्टर रमेश कुमार अपनी टीम के साथ कैलाश हेड कांस्टेबल ईएसआई कृष्ण और एक हेड कांस्टेबल कृष्ण, उनका ड्राइवर और एक दो अन्य जो अभी वो पूरी टीम आ रही है यहाँ पे, उन्होंने बहुत ही अपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एक किसान की खेत में आग लगी थी गेहूं के, उसमें उन्होंने अपनी टीम के साथ तुरंत प्रभाव से तत्परता से कार्रवाई करते हुए गांव वालों को भी लेके साथ खड़े हरे पौधों की मदद से गेहूं की आग को बुझाया, और ये एक सराहनीय काम है। ये हर जवान के लिए एक हौसला बढ़ाने वाली जो है प्रेरणा है। जान हथेली पर रखकर आग में कूदने वाले पुलिसकर्मियों को 10,000 रुपए नगद इनाम और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, ताकि उनके हौसले ऐसे ही बढ़ते रहें। खबरें अभी तक के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।